क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसकी दुनिया भर में आज काफी फैन फॉलोइंग है। आज इस खेल के अनगिनत दीवाने हैं, अनगिनत फैंस हैं, जिनमें क्रिकेट को लेकर काफी जुनून और प्यार है। अब हर एक क्रिकेट फॉलोअर के मन में यह सवाल आता ही होगा कि क्रिकेट शुरू कब हुआ और इसकी सबसे पहली राइवलरी कौन सी है। वैसे तो क्रिकेट काफी पुराना विषय है जो कि सदियों से खेला जा रहा है, पर ऑफिशियल तौर पर 15 मार्च 1877 को पहली बार दो इंटरनेशनल टीमों के बीच ये मैच खेला गया था। ये दो टीमें थी क्रिकेट की जन्मदाता इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिनके बीच हाल ही में सर्वकालीन महान और हाई वोल्टेज एशेज सीरीज चल रही है। यानी जब से क्रिकेट रिकॉर्ड्स में शुरू हुआ तभी से यह राइवलरी चली आ रही है, जिसका अलग ही फैन बेस है। कहने वाले तो भारत पाकिस्तान की राइवलरी को सबसे घातक और पुराना कहते हैं, पर सच तो यह है कि बाकी सारी राइवलरी एशेज के आगे पानी भरती है, क्योंकि ना ही तो इन्हें भारत पाकिस्तान की तरह सीमा लगती है और ना ही कोई तोपें तैनात होती हैं। कभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में युद्ध भी नहीं हुआ, इसके बावजूद क्रिकेट के मैदान पर एक दूसरे को दुश्मन से कम नहीं आते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी। पर जब मैंने लाइफ में पहली बार एशेज देखी थी तो सबसे पहला सवाल जहन में आया कि यार ये कैसा नाम हुआ, एशेज यानी राख, भला राख से कौन सी सीरीज का नाम होता है। बॉर्डर गवास्कर, चैपल, हेडली तक तो समझ में आता है जो दो टीमों के दिग्गजों के नाम पर है, पर क्रिकेट इतिहास में सदियों पुरानी चल रही जंग का ऐसा अजीबोगरीब नाम एशेज, आखिर क्यों जीतने वाली टीम को इतनी छोटी ट्रॉफी मिलती है जिसका प्लेयर्स में इतना ज्यादा उत्साह है, और एशेज में ये राख किसकी है, आखिर क्या है एशेज का इतिहास। तो बस ये दर्जन भर सवाल मन में लिए चल पड़ा इनकी खोज में। काफी आर्टिकल्स पढ़े, कई मैच देखे, कई इंटरव्यू बुक्स पढ़ी, तब जाकर ढेरों पॉइंट्स मिले। तब पता चला कि इस राइवलरी की शुरुआत क्रिकेट से नहीं, इतिहास के काफी पुराने पन्नों से जुड़ी हुई है, जिसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। और एशेज नाम एक बेबी सिटर के मजाक से आया, और ये ट्रॉफी की शेप एक परफ्यूम बोतल से आई। आपके भी मन में इसके बारे में काफी जिज्ञासा होगी, चिंता ना कीजिए, आज की वीडियो में सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, सारे जवाब मिल जाएंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे एक बेइज्जती ने जन्म दिया विश्व की सबसे खूंखार राइवलरी को। इस राइवलरी की नींव तो बहुत पहले रखी जा चुकी थी, जब क्रिकेट का जन्म भी नहीं हुआ था। ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने दुनिया भर के देशों पर राज किया है, और ऑस्ट्रेलिया भी उनमें से एक था, वो देश जिसे इंग्लैंड ने नर्क बना रखा था, दुनिया की सबसे खूंखार, भयानक और वाहियात जेल, जिस किसी को भी अंग्रेज कोई सजा सुनाते वो इस जेल में भेजा जाता, जो धरती पर साक्षात नरक था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया की आज की ये जनरेशन उन गुलामों कैदियों के ही वंशज है। ये प्रतिशोध की ज्वाला तो ऑस्ट्रेलिया में तभी से धधक रही थी, बस इंतजार था एक मौके का। खैर वो आया 15 मार्च 1877 को, जब पहला क्रिकेट मैच खेला गया मेलबर्न के मैदान पर। पहले टेस्ट 5 दिन के नहीं बल्कि अनलिमिटेड होते थे, जब तक 2 पारियां पूरी न हो जाए। यहाँ बाजी ऑस्ट्रेलिया ने मारी और क्रिकेट इतिहास में पहली जीत अपने नाम की। इसे इंग्लैंड के ईगो को खूब चोट लगी और उन्होंने अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया को मजा चखाने के लिए एक टेस्ट सीरीज खेलने का न्योता दिया, पर पासा एक बार फिर उल्टा पड़ गया, क्योंकि अभी भी वो आग ऑस्ट्रेलिया में जल रही थी। और 1882 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के दौरे पर आई, तो ओवल के मैदान पर पहला टेस्ट खेला गया, जो इंग्लैंड की टीम आसानी से जीतता हुआ मैच हार गई। इंग्लैंड पहली बार अपनी धरती पर कोई टेस्ट मैच हारा था, इस बात ने वहां के लोगों को भड़का दिया, और तब इंग्लिश मीडिया ने इंग्लिश क्रिकेट पर खूब अफसोस जताया और इसे इंग्लिश क्रिकेट की मौत करार दे दिया। उस वक्त एक अखबार द स्पोर्ट्स टाइम्स ने एक शोक संदेश छापा, जिसमें लिखा था, तारीख 29 अगस्त 1882 को इंग्लिश क्रिकेट का देहांत हो चुका है, संस्कार ओवल में होगा और अब इसके बाद उसकी राख ऑस्ट्रेलिया ले जाई जाएगी। आपको बता दूं, जिस समय कोई ट्रॉफी नहीं हुआ करती थी, ये तो बहुत बाद में शुरू हुई। टीमें अपने अभिमान, मान प्रतिष्ठा के लिए लड़ा करती थी। मीडिया के इस रिएक्शन के बाद अब इंग्लैंड ने एक पलटवार का प्लान बनाया, क्यों ना ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में घुसकर मारा जाए। और इस टूर के लिए 1883 में रवाना हुए इंग्लिश टीम के कप्तान आइबो ब्लाइग ने यह प्रतिज्ञा ली कि हम एशेज वापस लेकर के आएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने भी कसम खाई कि हम हर हाल में एशेज को अपने पास रखेंगे। अपनी कड़ी तैयारी के लिए इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कई प्रैक्टिस मैच खेले, जिनमें से एक रदरफोर्ड स्ट्रीट में खेला जा रहा था, और तभी मैच देखने आई वहां के मालिक की बेबी सिटर फ्लोरेंस मर्फी ने स्टंप से बेल उठाई और उसे जलाकर अपने एक खाली परफ्यूम की बोतल में डालकर शाम को एक पार्टी में उसे इंग्लैंड के कप्तान को थमा दिया। साथ ही उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसे अपने साथ ले जाइएगा और कह दीजिएगा कि हम एशेज वापस ले आए हैं। उनका इशारा दरअसल अनबीटेबल ऑस्ट्रेलिया की तरफ था, जो इंग्लैंड को रौंद कर आई थी। ब्लाइंग ने भी गुस्सा नहीं किया और एशेज स्वीकार की। इस बार इंग्लैंड ने रिवेंज लिया और 2-1 से सीरीज जीत एशेज वापस लेकर स्वदेश लौट आए। खूब ढोल नगाड़े और उद्घोष के साथ इंग्लैंड टीम का स्वागत किया गया। कप्तान अपने संकल्प को पूरा करने और देश के क्रिकेट को स्वाभिमान को रिडीम करने के लिए उनको खूब वाहवाही मिली। और तभी ब्लाइंग ने उस एशेज ट्रॉफी को निकालकर क्राउड में उद्घोष किया कि हम एशेज लेकर गए हैं। लेकिन किसी फिल्मी कहानी की तरह यहाँ भी बड़े ट्विस्ट और टर्न थे। इसके बाद ब्लाइंग ऑस्ट्रेलिया गए किसी जंग के लिए नहीं बल्कि सरेंडर करने, अपने प्यार का जो उन्हें मर्फी से हो गया था, और उनके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होकर उनको दिल दे बैठे, उन्हें प्रपोज कर दिया, जिसके बाद इन दोनों की शादी हो गई और ये रिश्ता
43 साल चला। ब्राइन के गुजर जाने के बाद मर्फी ने उनकी प्यार की निशानी ये ट्रॉफी MCC में सौंप दी, जिसके बाद उस ट्रॉफी को एक धरोहर की भांति महफूज रख दिया गया। इसके कई साल बाद 1990 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि हर 2 साल में एक 5 टेस्ट का टूर्नामेंट रखा जाएगा, जो इन दोनों देशों में बारी बारी खेला जाएगा, और इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया एशेज। आज भी एशेज में ऑस्ट्रेलिया हर बार की तरह इस बार भी इंग्लैंड से 2 कदम आगे है। अभी तक इन दोनों देशों के बीच 72 एशेज खेली जा चुकी है, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 34 तो इंग्लैंड ने 32 में बाजी मारी है। वही 6 सीरीज ड्रॉ रही है। इस बार की एशेज भी खूब रोमांचक होने वाली है, जहां बास्केटबॉल वाली 2.0 इंग्लैंड अपने घर वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 2001 के बाद ऑस्ट्रेलिया अब एशेज जीत पाएगा या बास्केटबॉल कंगारुओं की बैंड बजा देगा। तो ये थी कहानी टेस्ट क्रिकेट के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक सीरीज एशेज की। अभी तक एशेज ने हमें अनेकों लम्हे दिए हैं, जिनमें से मेरे फेवरेट मोमेंट्स तो वार्न के वो 40 विकेट, जॉनसन के फायरी स्पेल्स और हेडिंगले टेस्ट में स्टोक्स के जादुई 135 सबसे ज्यादा है। बाकी आपके पसंदीदा मोमेंट्स कौन से हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।